अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। सपर के ढाई बज चुके हैं। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। नाज़रीन, आज के उर्दू खबरनामे में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती पुंछ दौरे पर है, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें कई संगीन इल्जामात लगाई। क्या कुछ वो इल्जामात है, पहुंचाएंगे आप तक। और साथ ही साथ आज वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी की मन की बात प्रोग्राम का आज इस साल की आखिरी किस्त थी, जिस दौरान उन्होंने आज की किस्त में कई बातों का जिक्र किया, वो भी पहुंचाएंगे आप तक। और साथ ही साथ आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला में जंगली जानवरों ने दहशत मचाई है, लोगों में खौफ का माहौल है, वो भी पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन खबरनामे की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। और आपको बता दें कि आज मरकजी वज़ीरे दाखिला ने तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर को यूएपीए के तहत गैर कानूनी तंजीम करार दिया है। इस हवाले से मरकजी वज़ीरे दाखिला अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ये तंजीम जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामी हुकूमत कायम करने की ममनुआ सरगर्मियों में मुलव्वस है। उन्होंने कहा कि ये ग्रुप भारत मुखालिफ प्रोपेगंडा फैलाता और जम्मू कश्मीर में इलाहदगी पसंदीदगी को हवा देने के लिए मिलिटेंसी की सरगर्मियां जारी रखे हुए पाया गया है। अमित शाह ने मजीद कहा कि वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी की मिलिटेंसी के खिलाफ सिफर रवादारी की पॉलिसी के तहत कोई भी फर्द या तंजीम जो भारत मुखालिफ या मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस पाया जाएगा, उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि गुज़श्ता हफ्ते जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग को भी वज़ीरे दाखिला ने यूएपीए के तहत गैर कानूनी करार दिया था। आगे बढ़ते हैं। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 108वें और इस साल के आखिरी किस्त में मुल्क के आवाम से खिताब किया। इस मौके पर वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन 108 किस्तों में अवामी शिरकत की बेशुमार मिसालें देखी हैं और उनसे तहरीक हासिल की है। उन्होंने कहा कि इस साल खिलाड़ियों ने खेलों में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। एथलीट्स ने एशियन गेम्स में 107 और एशियन पैरा गेम्स में 111 मेडल्स जीते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी कारकर्दगी से सबका दिल जीत लिया। अब 2024 में पेरिस ओलंपिक्स का इनकाद किया जाएगा, जिसके लिए पूरी कौम खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मरहले पर पहुंचने के बाद हमें नई तवनाई और तेज रफ्तारी के साथ नए सिरे से तरक्की करने का अजम करना होगा। वज़ीरे आज़म मोदी ने कहा कि कल का तुलू आफ्ताब 2024 का पहला तुलू होगा और हम सब 2024 में दाखिल हो चुके होंगे। उन्होंने कौम को नए साल की मुबारकबाद भी पेश की। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात यानी आपके साथ मिलने का एक शुभ अवसर। और अपने परिवारजनों के साथ जब मिलते हैं तो कितना सुखद होता है, कितना संतोषदायी होता है। मन की बात के द्वारा आपसे मिलकर मैं यही अनुभूति करता हूं। और आज तो हमारी साझा यात्रा का ये 108वां एपिसोड है। हमारे यहां 108 अंक का महत्व, उसकी पवित्रता एक गहन अध्ययन का विषय है। माला में 108 मन के, 108 बार जप, 108 दिव्य क्षेत्र, मंदिरों में 108 सीढ़ियां, 108 घंटियां, 108 का ये अंक असीम आस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए मन की बात का 108वां एपिसोड मेरे लिए और खास हो गया है। इन 108 एपिसोड्स में हमने जन भागीदारी के कितने ही उदाहरण देखे हैं, उनसे प्रेरणा पाई है। अब इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद हमें नए सिरे से नई ऊर्जा के साथ और तेज गति से बढ़ने का संकल्प लेना है। और ये कितना सुखद संयोग है कि कल का सूर्योदय 2024 का प्रथम सूर्योदय होगा। हम वर्ष 2024 में दरवाजे हम के मन की बात प्रोग्राम का इनकाद आज
जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात के अलावा उधमपुर में भी हुआ, जिसमें मरकजी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह मेहमान खुसूसी के तौर मौजूद थे। इस मौके पर मुकामी लोगों के साथ साथ बीजेपी कारकुन भी उन्होंने भी मन की बात प्रोग्राम में हिस्सा लिया और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बात सुनी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस मौके पर बात करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में मुल्क तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है। अपने देश को विकसित बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे। आप सभी मुझे लग रहा है कि अब समय आ गया है हम अपने अंदर वो कैपेसिटी बिल्डिंग करके, वो क्षमता लेकर के मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के दूसरे देशों को भी नेतृत्व देने की स्थिति में रहेंगे। जब हम कहते हैं कि भारत शिखर पटल पर पहुंचेगा तो भला कैसे पहुंचेगा, उसकी वैल्यूएशन कहां से होगी? कुछ जोड़ेगा तो तभी पहुंचेगा, और वो जोड़ने का काम जम्मू कश्मीर, क्योंकि वो सारे सरमाए, वो साधन, वो रिसोर्सेज जो अभी तक ना तराशे गए ना तलाशे गए, वो जम्मू कश्मीर से मुहैया होने वाले हैं। अभी आपने मिसाल के तौर पर देख लिया, डोडा ज़िला के छोटे से कस्बे भद्रवाह से बैंगनी क्रांति ने जन्म लिया, जिसका जिक्र मोदी जी ने मन की बात में एक बार किया था और बड़ी तफसील से किया था, और लगभग 3000 हमारे युवा स्टार्टअप के तौर पर वहाँ अपनी जीविका कमा रहे हैं, और आज उसका अनुसरण उत्तराखंड में होने लगा है, हिमाचल प्रदेश में होने लगा है, दूर पूर्व उत्तर नागालैंड में। यानी भारत की अर्थव्यवस्था में जो जोड़ने का काम है वो जम्मू कश्मीर जैसे हिमालयन प्रदेशों से होने वाला है, और 2047 में जब भारत शिखर पटल पर खड़ा होगा तो मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर का एक प्रमुख योगदान रहेगा वहां तक। चलिए आगे बढ़ते, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती पुंछ दौरे पर है, और पुंछ में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात करते हुए कहा कि टूपा पीर गली इलाके में हमले के बाद फोर्सेस ने न सिर्फ मर्दों को मारा पीटा बल्कि खवातीन के साथ भी बदसलूकी की। उन्होंने 3 शहरियों के कत्ल के मामले की फौरी तहकीकात का मुतालबा किया और मुजरिमों के खिलाफ उनके नामों पर FIR दर्ज करने की भी मांग की। महबूबा मुफ्ती ने जख्मियों को 5 लाख रुपए मुआवजा, मरने वालों के लवाकीन को 50 लाख रुपए का मुआवजा, जेर कफालत अफराद को 1-1 सरकारी नौकरी और सुरनकोट तहसील हेडक्वार्टर में 1-1 प्लॉट देने की भी बात कही, और उन्होंने कहा कि गांव टोपी से फौजी चौकी हटाने का भी उन्होंने मुतालबा किया है। मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, वो ये है कि न सिर्फ इन्होंने वहां से लोगों को उठा के बेदर्दी से मार पीट के उनको कत्ल कर दिया, बल्कि जो वहां जो औरतें थी, जो बच्चियां थी, जब उन्होंने इनके सामने तरले किए कि हमारे लोगों को छोड़ दो, तो उनको भी उनके साथ बड़ी बदसलूकी की, उनके साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आए, उनको धमकाया कि अगर आप लोग पीछे नहीं हटोगे, अगर आप इसी तरह हमारे पीछे आते रहोगे इनको वापस लेने के लिए, तो हम आपके भी कपड़े उतार देंगे और आपका भी वही हाल कर देंगे जो हमने आपके मर्दों का किया है। तो ऐसा लगता है वहां हमें न जाने देना, इस तरह रोक देना जैसे कोई मिलिटेंट को पकड़ने वाले होते हैं। इतनी फौज इन्होंने लाई, कंडे वाली तारें लाई, लेडीज फौज लाई रोकने के लिए। तुम हम तो कोई बाहर से आए, हम तो कोई चीन से नहीं आए हुए हैं, हम तो कोई पाकिस्तान से आए हुए लोग नहीं हैं, हम तो अपने लोगों के बीच में और अपने लोगों के पास जाना चाहते हैं, तो हमें रोका क्यों गया? तो हमें जो इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल रही है कि इन्होंने वहाँ इतनी ज्यादती की है, उस ज्यादती को छुपाने के लिए ये नहीं चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती वहां चली जाए और वो जो औरतें हमारी बच्चियां हैं वो अपने दिल का हाल हमें सुनाएं, हमें बताएं, उसके बाद हम वापस आए। मैंने दिया प्रोग्राम आज जाने का, मैंने राजौरी अस्पताल जाना था क्योंकि वहां भी कई लोग जख्मी हैं उनको देखने के लिए। उसके बाद मुझे जाना था शादरा शरीफ, शादरा शरीफ से मैं बंगाई जाना चाहती थी जिस गाँव के लोग इन्होंने पिकअप किए, तो मुझे बताया गया कि रास्ते में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहा है राजौरी के, और जो वहां से ठंडा मंडी रास्ता जाता है वहां भी सर्च कॉर्डन सर्च ऑपरेशन। अब मुझे समझ नहीं आता है ये क्या छुपाना चाहते हैं। दूसरा, मैं सुरनकोट के अस्पताल में गई, वहां कोई 8 लोग हैं, सरकार की तरफ से उनको कोई मदद नहीं हुई अभी तक। 4 लोग उसमें जो आपका सुरनकोट में आर्मी का अस्पताल है उन्होंने रखे हुए, मुझे समझ नहीं आता है। मैंने कोशिश की मैं वहां जाऊं, मुझे वहां जाने की इजाजत नहीं दी गई क्योंकि उनके घर वाले बहुत परेशान है, घर वालों को आने नहीं देते, हमें मालूम नहीं वो जिंदा है मुर्दा है क्या है। उनको सीधे हॉस्पिटल में क्यों नहीं भेजते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों नहीं भेजते? आर्मी उनको
अपने अस्पताल में क्यों रखा हुआ है। तो इससे कई शक और शुबात दिमाग में आते हैं। मैंने पहले भी बोला है, डिफेंस मिनिस्टर साहब आए, आर्मी चीफ आए, और उसके बाद जो FIR लगी वो भी सीधे नहीं लगी, वो भी मुलजिमों के नाम नहीं लगी, अननोन के नाम लगी। और शायद इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो आज भी वहां 14 RR बुरी खुली तरह से घूम रही है, लोगों को धमका रही है, पुलिस के लोग धमका रहे हैं। कल मैं गई, वो औरतें मेरे से मिलना आना चाहती थी, उनको मेरे पास नहीं आने दिया, मुझे वहां नहीं जाने दिया। तो फिर आर्मी चीफ के आने का या डिफेंस मिनिस्टर के आने का क्या फायदा हुआ अगर लोगों को आज भी खौफजदा किया जाता है। कोई टेरिटोरियल आर्मी का कोई जग्गी या जगह है, मुझे नहीं मालूम है, उसने वहां बहुत दहशत फैला के रखी है। उसने लोगों को बोला है मैं जम्मू जा रहा हूं, मैं वहां से वापस आके आपको सबक सिखाऊंगा। अब और क्या सबक सिखाएंगे? लाशों पे तो आपने उनकी नमक मिर्च भी डाल दिया, जख्मों पे निमला, इसके ज्यादा और क्या करेंगे तूफान। चले आगे बढ़ते हैं, बात शुमाल कश्मीर के जिला बारामूला की करते हैं, क्योंकि बारामूला में जंगली जानवरों ने दहशत मचाई है, जिस वजह से लोगों में काफी खौफ और हिरास का माहौल है। दरअसल जांबाजपुरा इलाके के रिहायशी इलाके में एक तेंदुए को देखा गया, जिससे मकीनों में काफी खौफ और हिरास फैल गया। CCTV फुटेज में मजकूरा तेंदुए एक महले में घूमते हुए देखा गया। ये CCTV की फुटेज आपके सामने आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक तेंदुए को घूमते हुए देखा गया, जहां से वो मेवा बाग में छलांग लगा रहा था। फुटेज सामने आने के बाद इलाके में खौफ और हिरास का माहौल फैल गया है। वहीं मकामी लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ से अपील की है कि इसे जल्द अज जल्द पकड़कर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। और कहा गया कि अगर मजकूरा तेंदुए को फौरी तौर पर नहीं पकड़ा गया तो इलाके में जानी नुकसान का खतरा लाहक है। सीधा बारामूला आपको ले चलेंगे, हमारे नुमाइंदे इरशाद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। इरशाद, जिस तरह से हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, CCTV फुटेज सामने आई है, जंगली जानवर तेंदुआ इसमें देखा जा सकता है, तो इलाके में किस तरह का माहौल है और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की जानिब से तेंदुए को पकड़ने के हवाले से क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है? देखिए जोर, अगर जनबाजपुरा इलाके के साथ साथ चाहे हम बियर इलाके की बात करें या चकलू इलाके की बात करें, क्योंकि काफी पैनिक है इन इलाकों में, लगातार जो है जंगली जानवर नमूदार होते हैं, चाहे हम रीछ के हवाले से बात करें या तेंदुए के हवाले से बात करें। क्योंकि इससे पहले की बात करें, ओल्ड टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में ये जो रीछ देखा गया, उसके बाद तेंदुआ देखा गया, हालांकि इसके साथ साथ दीगर इलाकों में इन जंगली जानवरों को देखा गया और आज तक जो है इन जंगली जानवरों को काबू नहीं किया गया। बल्कि कल की ये तस्वीरें हैं, लगातार जो है इस तरह की तस्वीरें जो है सामने आती हैं और उसके बाद जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, चाहे हम मुकामी लोगों के हवाले से बात करें या वाइल्ड लाइफ महकमे के हवाले से बात करें या इसके साथ साथ जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस हो या दीगर अमला हो। क्योंकि कल जो CCTV फुटेज सामने आई, उसके बाद जो है ये जो रिहायश पजीर घर है जामाजपुरा इलाके में, क्योंकि इनमें काफ़ी दहशत मची और इसके साथ साथ काफी खौफ ज्यादा हो चुके हैं और इनकी तरफ से यही अपील है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या वाइल्ड लाइफ महकमे से कि वो इन जंगली जानवरों को जो है काबू किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में जो है अगर यहाँ पे इंसिडेंट होगा तो उसका जिम्मेवार जो है वो वाइल्ड लाइफ महकमा होगा। और इन जंगली जानवरों को जो है जल्द से जल्द काबू करने की जरूरत है, ताकि आम बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों या दीगर लोगों को जो है मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। और अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ पे इस इलाके में आए, हमने मुख्तलिफ लोगों के साथ बात की, तो इनका ये कहना कि ये लगातार जो है 10 दिनों से ये घूमता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ 2 बच्चे भी हैं। और इस जो ये तेंदुआ है, इसने तकरीबन 5-6 कुत्तों को जो है यहाँ पे मार डाला। और इसके साथ साथ देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे जो मकीनों के साथ साथ चाहे यहाँ के लोग हैं जो रिहायश पजीर घर के लोग हैं, हालांकि वो काफी खौफ ज्यादा हो चुके हैं। बिल्कुल इरशाद, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तेंदुआ है और रीच को भी देखा गया है, जिस तरह से आप बता रहे थे कि 2 जो तेंदुए के बच्चे उनको भी देखा, तो क्या हम ये समझे कि ये जंगली जानवरों का एक झुंड आया है इस इलाके में? देखिए जोर, अगर हम इस इलाके की बात करें, ये जो चकलू का इलाका है या जानबाजपुरा का इलाका है या बियर का इलाका है, ये बिल्कुल जंगलात के बिल्कुल नजदीक है, क्योंकि इनका जो खुराक है वो खत्म होता है यहाँ पे जंगलात में और ये रिहायश पजीर बस्तियों की तरफ आते हैं। और इससे पहले की बात करें, यहाँ पे करालहार, कनिसपोरा, उशकुरा, रंगवार या दीगर जो इलाके हैं, वहां पे इस तरह के जानवर जो है देखे गए। और कल इस CCTV फुटेज के बाद जो है काफी दहशत मचा इस इलाके में। और अभी थोड़ी देर पहले
यहाँ के रिहायश पजीर लोगों ने अपील की एडमिनिस्ट्रेशन से, वाइल्ड लाइफ महकमे से, कि वो इन जंगली जानवरों को जो है काबू करें। चलिए इरशाद, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। हमारे नुमाइंदे इरशाद तफसीलात फराम कर रही थी बारामुल्ला से। तो इनका कहना था कि जंगली जानवरों को जांबाजपोरा इलाके में देखा गया है, जिसके बाद लोगों में काफी खौफ व हिरास है। वहीं मुकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि जंगली जानवरों को जल्द अज्द काबू किया जाए, ताकि उनकी मुश्किलात या जो खौफ व हिरास का माहौल है वो दूर हो सके। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने साल 2023 के हवाले से बात करते हुए बताया कि इस साल जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हर मामले में नाइंसाफी हुई है। उन्होंने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि दफा 370 बहाल होगा, ताम सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मायूस किया है। अब्दुल गनी वकील ने कहा कि मरकजी सरकार जमहूरियत का ढुंडोरा पीट रही है, ताहम जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का नामो निशान नहीं है। यहाँ के लोग कई बरसों से अवामी हुकूमत से महरूम है। देखिए, जो 2023 है ये तो गुजर गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हर मामले में नाइंसाफी की गई, क्योंकि बड़ी उम्मीद थी रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 की, वो भी नहीं हुई। इतना डंडूरा पीटता है हिंदुस्तान के जो लीडरान है, जो मरकजी सरकार है, कि पनप रही है जमहूरियत हिंदुस्तान में, ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर में तो कहाँ पनप रही है। हम जो तकरीबन 6 साल से अवामी हुकूमत से महरूम है, और जब हम अवामी हुकूमत से महरूम है तो लोगों के मसाइल जो है हल होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। कि हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से जो ये गवर्नर राज रहा है, तो इस गवर्नर राज में जो उम्मीद थी इस जम्मू कश्मीर के मसले हल होंगे, सबसे बड़ा मसला बर्निंग मसला बेरोजगारी का मसला था, लेकिन इस सीमित सरकार एक कदम भी नहीं आगे बढ़ी। दावे तो बहुत किए गए, 50,000 भर्ती करेंगे, 30,000 भर्ती करेंगे, लेकिन जमीन पर कहीं नजर नहीं आ रहा है। और इसी तरीके से हम देखते हैं पावर सेक्टर को। अब आप देखिए आज पावर का क्या हाल है। यह हाल आज नहीं, ये कई सालों से रहा है, क्योंकि यहाँ पावर सेक्टर में मौजूदा सरकार ने इसकी बढ़ोतरी में, इसके इजाफा करने में कोई तवज्जो नहीं दी गई, और जिस वजह से यहाँ के लोग इस वक्त काफ़ी परेशान हैं। बिजली की जो अपना शेड्यूल है वो भी नहीं चल रहा है। यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे लोग खुश हैं। कश्मीरी कल्चर को खतरा करार देते हुए हिवाजी के मशहूर मारूफ गुलकार वहीद जीलानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इंतजामिया के अदम तवज्जो से मकामी कलाकारों का टैलेंट जाया हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो तजुर्बा याफ्ता और हुनरमंद कलाकार हैं, उन्हें इंतजामिया की जानिब से नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से कश्मीरी कल्चर को खतरा लाहक है। ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कल्चर है हमारा, जो जिस कल्चर के नाम से कश्मीर जाना जाता है, उस कल्चर को प्रमोट करना है। यहाँ फाहिश कल्चर प्रमोट नहीं होना चाहिए, यह हमारा मेन एजेंडा था। और जो यहाँ के जिम्मेकार आर्टिस्ट हैं हर फील्ड में, उनको अपना ड्यू शेयर मिलना चाहिए, और उनकी इज्जत, उनका जो डिग्निटी ऑनर और जो उनका लेवलीहुड है, उस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इनकी फैमिलीज कैसे रन करें। आप इतने आज अच्छे सिंगर्स हमारे आए हैं नए, कोई उनको रोकता है? बल्कि हम सबसे पहले उनको सराखों पे बिठाते हैं, उनसे परफॉर्मेंस करवाते हैं, उनको इज्जत अफजाई भी करते हैं। लेकिन जिस आर्टिस्ट को या जो कल्चर के नाम पे गिटार अपने कंधे पे लेके डल पे चाहे और बेसुरा और बेताला गाना गाए, और सोशल मीडिया से हम जज नहीं कर सकते एक आर्टिस्ट को, तो हमें इन कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना है। स्ट्रेंथन मतलब वहां अच्छे लोग, जानने वाले लोग हमें अपॉइंट होने चाहिए, जिसको पता हो। वादी कश्मीर में सबसे पुराने इंडस्ट्रियल स्टेट में से एक ज़ेनाकूट स्टेट अपना दम तोड़ रहा है। ज़ेनाकूट स्टेट 1974 में कायम किया गया था और सीकाप को इसकी नोडल एजेंसी के तौर पर नामजद किया गया था। इब्तदाई मुद्दत के दौरान 450 यूनिट थे, जो 2023 तक कम होकर अब 140 यूनिट रह गई है।
बहुत से यूनिट होल्डर्स को अब भी बंदिश का सामना है। फारूक अहमद सदर और एक यूनिट होल्डर ने गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए बताया कि हुकूमत के साथ सीकाप सहूलत फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। वैली में सबसे पुराना यूनिट है, सेंट्रली लोकेटेड है और श्रीनगर की विसिनिटी में है। ये तकरीबन 1984 में एस्टेब्लिश हुआ है और तब से जाके अभी तक चल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि एक वक्त में यहाँ पे 450 यूनिट थे, आज की डेट में 150 यूनिट इसमें इस वक्त है जो रनिंग में है, और उसमें से भी तकरीबन मैक्सिमम 25% to 30% यूनिट्स में जो एट द वर्ज ऑफ जिसको हम करेंगे क्लोजर है, क्योंकि वो डिफेक्ट है ऑलमोस्ट। तो ये आजकल हालत है। हालत की वजह यही है कि बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, आदि गवर्नमेंट इज़ नॉट फ्रेंडली टूवर्ड्स दिस इंडस्ट्री, इंडस्ट्री फ्रेंडली है नहीं, तो वो तो मेन रीज़न है। और बाकी हमारे पास काफ़ी सारे यहाँ पे जो मतलब बेसिक पावर तो है, पावर का इतना कट रहता है इस वक्त तकरीबन, हालांकि 8 या 9-10 घंटे तकरीबन 4-5 घंटे 4-5 बार ये यहाँ पे पावर कट रहता है। और वो भी एक तरह सरकार जहाँ दावा कर रही है कि हम जम्मू कश्मीर में एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दे रहे हैं, इंडस्ट्री लगाए रहे हैं, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी यहाँ पे नाफिज की गई थी, ताहम जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ है या इंडस्ट्रियल यूनिट्स है वो कहीं ना कहीं मुश्किलातों से दो चार है। खोनमू इंडस्ट्रियल एस्टेट जो कि 1974 में बना था और एक पुराने सबसे पुराने इंडस्ट्रियल यूनिट इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में एक माना जाता है, आज वो खस्ताहाली का शिकार है। कुछ टाइम पहले यहाँ पे करीबन 450 के करीब इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे, लेकिन अब यही इंडस्ट्री 150 तक ही पहुंच गए और उसमें से भी मैक्सिमम है वो अब बंद करने के तदार पे है, क्योंकि जो बेसिक फैसिलिटी इन इंडस्ट्रीज या इस इंडस्ट्रियल एस्टेट को होनी चाहिए थी उसका यहाँ पे फुकदान है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है और जो पूरा एस्टेट। आगे बढ़ते वादी कश्मीर में 40 रोजा चले कलान जारी है और इस दौरान हमेशा बर्फबारी के इम्कान ज्यादा होते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंतजामिया और मुतलका महकमा ने बर्फ हटाने के लिए तमाम तैयारियां कर ली है और मुतलका महकमा किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर शफात अहमद जिलानी का कहना था कि उन्होंने पूरे कश्मीर में 4 जोन की निशानदेही की है और इन जोनस में 16 कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। फिलहाल बर्फ साफ करने वाली मशीनों का एक नया बेड़ा है जो मुख्तलिफ ममालिक से लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त महकमे के पास 280 से ज्यादा मशीनें हैं और आने वाले दिनों में मजीद मशीनें मौसूल होंगी, जिससे कुल तादाद 300 से ज्यादा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इन मशीनों को उनके मुतलका इलाकों के मुताबिक 16 कंट्रोल रूम में तकसीम किया गया है और मेटलिक ब्लेड्स की वजह से बर्फ साफ करने के दौरान सड़क को पहुंचने वाले नुकसान से बचने के लिए अब सड़क के लिए साजगार मशीनें भी लाई गई। ये सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा डिपार्टमेंट है, पहले इसका नाम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था, अब इसका नाम जो रिऑर्गेनाइजेशन के बाद मैकेनिकल एंड हॉस्पिटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। तो हमारा पिछले 30-35 साल से हमारा हमेशा हर साल एक एक्शन प्लान बनता है स्मोक क्लियरेंस के लिए। तो इसमें जो इस साल हमने स्मोक क्लियरेंस प्लान बनाया है, इसमें हमने ये 4 जोन्स में ये डिस्ट्रीब्यूट किया स्मोक क्लियरेंस एक्शन प्लान। इसमें एक जोन है जैसे श्रीनगर जोन है, फिर साउथ अनंतनाग जोन है, बारामूला और हंदवारा जोन है। इनमें इनके अलग अलग ज्यूरिसडिक्शंस रहते हैं और ये सारे जो जोन्स हैं पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी खेल के मैदान में अपनी पहचान और नाम कमा रही है। आयरा और आंसा, जिन्हें चश्ती सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने एक बार फिर नॉर्थ जोन वेमेन्स विश्व लीग में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया है। विश्व के दायरे में जम्मू कश्मीर के गोल्डन गर्ल्स के तौर पर उन्होंने 27 से 30 दिसंबर तक उत्तराखंड में मनकदा नारत जून वेमेन्स विश्व लीग में शिरकत करने से पहले ईरान में एक गैर मुल्की नुमाइश का तरबियती कैंप मुकम्मल किया। उनकी शानदार कारकर्दगी के नतीजे में दोहरी फतह हुई। आंसा चश्ती ने गोल्ड मेडल और आयरा ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। उनके शानदार तमगे जीतने वाले डिस्प्ले ने दोनों बहनों के लिए बावकार खेल इंडिया वुमेन्स विश्व लीग नेशनल चैंपियनशिप के लिए मुंतखब होने की राह भी हमवार कर दी है। चलिए सहपहर के उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान जहूर लोलावी को दीजिए इजाजत। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।